आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है हेडिंग? सांप्रदायिकता, कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। तो अब जानेंगे हम सांप्रदायिकता हेडिंग है, इसका अर्थ क्या है, क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। कोई एक डिप्रेशन भी आ गया लिखने के लिए। एग्जाम में घबराना नहीं है, जो घबरा गया कुछ नहीं करने सकेगा। कोई चीज से घबराना नहीं चाहिए, इसको सॉल्यूशन किसी चीज का होता है। कैसे लिखेंगे इसको समझिए, जानिए। देखिए कैसे समझना है, मोटे तौर पर इसको हम साधारण अर्थ में सांप्रदायिकता भारतीय राजनीतिक दाव पेचों का ही एक उत्पाद, बाय प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है। क्या है? बायो प्रोडक्ट है, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक पेच का एक। देखते हैं वोट के समय आता है, कहीं पर मंदिर में एक मांस की टुकड़ा फेंक दिया जाता है। क्यों क्यों फेंका जाता है? ये दंगा फैलाने के लिए, वोट बैंक के लिए। साफ साफ है राजनीतिक दाव पेच। तो जानना है बच्चे कि राजनीतिक दाव पेच क्या होता है, ये वोट की राजनीति। ये लो दंगा फैलाता है, सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देता है। और ऐसा नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक पॉलिटिकल दांव पेच का एक हिस्सा है। ये बात समझ गए? अब इसको जानिएगा कि भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर ही यह हो रहा है। भारतीय पॉलिटिकल राजनीति रंगमंच पर ये देखा जाता है अधिकतर। कहीं कोई एक भीड़ इकट्ठा हो गया, एक समुदाय को मार दिया, अगला समुदाय दंगा कर देगा। यही तो दंगा है, फसाद है। क्या अच्छा चीज है? नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक यूनिटी होनी चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए। वह रंगमंच आज भी उस सांप्रदायिकता का एक पोषण, बहुत बहुत कुछ खुले तौर पर, खुला तौर पर, शायद बिना किसी हिचक के साथ कर रहा है, साथ दे रहा है। इसका उत्तरदायित्व किस पर है, यह दूसरा प्रश्न है। पर समस्या यह है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होता है? समस्या। सब समस्या क्या है इसको जानना है आपको, पर समस्या क्या है? समस्या क्या है? सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीय अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता और संगठन को आज कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्र में जो एकता है, जब देश आजाद हुई, समझने वाली बात है, तो क्या हिंदू भर लड़ाई किया, मुस्लिम भी लड़ाई किया, सिख भिखारी, देखिए राज के लिए, देश के लिए। गौर कीजिए, इसमें हिंदू भी लड़ाई किया, हिंदू भी शहीद हुआ, मुसलमान भी लड़ाई किया, मुसलमान भी शहीद हुआ, सिख भी लड़ाई किया, सिख भी हुआ, ईसाई भी हुआ। किसी के एक से काम होता है कहीं पर, आप देखे हैं। तो देश की अखंडता को ठेस पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? देश की अखंडता को ठेस पहुंच रहा है। वो ठेस को हम समाप्त करेंगे। कैसे करेंगे? एडुकेटेड बन के, शिक्षित बन के, शिक्षा को बढ़ावा दे के, जागरूकता फैला के, रूढ़िवादिता को दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे के बहकावे में नहीं आके आगे बढ़ेंगे। अपने आप सोचने समझने की एक ताकत होनी चाहिए। देश में हिंसा फैला रहा है, क्यों फैल रहा है, काहे फैल रहा है,
इसको हम सोचेंगे इसका उत्तरदायित्व किस पर है, यह दूसरा प्रश्न है। पर यह समस्या है कि संविधान के कारण भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और संगठन को आज कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है, जिसका लाभ हमारे पड़ोस के दुश्मन तक उठाने की साथ में हाथ ठाक में बैठे हुए हैं। अपने उस उग्र रूप में यह सांप्रदायिकता कितनी भयंकर हो सकती है, वह तो विभक्त भारत को अपनी कांटे अंगों से सहित हमें हर पल दिख रही है ना, हर पल भारत को इंडिया को देख रही है और अपनी मर्म व्यथा को मर्मांतक मुक्त शब्दों में व्यक्त कर रही है। देश विभाजन, देश डिवीजन, इंडिया डिवीजन, देश की डिवीजन की यह वह महान क्षति आज ही पूरी नहीं हो पाई है, जबकि कुछ समय पहले हुए कश्मीर, रांची, बनारस, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ के सांप्रदायिक दंगों ने उस घाव पर और भी नमक छिड़क दिया है। क्या किया है? घाव पर नमक छिड़क दिया है, बढ़ावा दे दिया है। इसी को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए, और घाव पर और भी नमक छिड़क दिया है, और साथ ही समाज शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को इसके लिए विरोध की भावना ही पनपने लगती, बाध्य किया है कि वह सांप्रदायिकता को वास्तविक रूप में समाज समझ ले और इस विषाक्त फोड़े को भारतीय जनजीवन सदा के लिए काट फेंकने हेतु कुछ रचनात्मक एवं व्यवहारिक उपाय को प्रस्तुत करें, यहाँ सांप्रदायिकता को समझने का प्रयास करें। मतलब यहाँ पर जो सांप्रदायिकतावाद है उसको समझने की जरूरत है हमें, और हमें अच्छा सलाह एडवाइस जिसको बोलते हैं, देखते हैं किसी गांव में कोई पार्टी चल जाती है चुनाव के टाइम, वहां एक समुदाय के बारे कुछ बोल दिया तो दंगा भड़क गया। बात समझ रहे हैं? किसी समुदाय के बारे वोट मांग लेना है तो एक समुदाय विशेष के बारे कुछ बोल दीजिए। क्यों बोलते हैं? वोट की राजनीति के लिए, स्वार्थ की राजनीति के लिए बोलते हैं, तो उसे क्या होता है? दंगा भड़क जाता है। वो दंगा से क्या होता है? हमारी क्षति होती है, बर्बादी होती है। अब देखिएगा, आप तो वहां पर भड़काऊ भाषण देके आ गए, उस भड़काऊ भाषण से उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस एरिया में, उस जिला में, उस कस्बा में काफी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। ये समझने वाली बात है, कोई भी समझ सकता है, बच्चा बच्चा, कि सांप्रदायिकता क्या चीज है, किसे कहते हैं। एग्जाम में इसको अच्छा से एक्सप्लेन करना है कि यह वोट की राजनीति होती है। क्या होती है? वोट की राजनीति होती है। एक समुदाय के प्रति किसी विशेष खराब शब्द बोल दिया जाता है, टीका टिप्पणी की जाती है, उसे उस समाज पे ठेस पहुंचता है और उस समाज के लोग एकजुट होकर अगला समुदाय ऊपर आक्रमण करते हैं, यही दंगा फसाद है। तो ये समझने वाली चीज है, आखिर सांप्रदायिकतावाद का क्या अर्थ है, कैसे फैलता है, ये बच्चा लोग को समझना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। इसमें देश की अखंडता, एकता, यूनिटी, भाईचारा वाद, क्षेत्रवाद पर अंकुश लगता है। हमारा दुश्मन देश हमारे देश पर आक्रमण के लिए और खड़ा रहता है चढ़ाई के लिए, तो हमें अपने देश में इस तरह की लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बस आज इतना ही।